हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे सभी फटाफट से। कैसे हो सब लोग? ऑडियो का कंफर्म करें एक बार सभी। स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए रोटेशनल, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल सब पढ़ लिया है, ठीक है। जो भी लगातार जिसने लेक्चर्स देखे होंगे उसको पता होगा कि कितना डिटेल में पढ़ा है सब चीज़ों को। तो अभी तक हमने जो बातें की हैं वो कर ली है। रोटेशनल को इंडिविजुअली पढ़ लिया है, वाइब्रेशनल को इंडिविजुअली पढ़ लिया है, वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल को पढ़ लिया है। अब बात आती है रमन की, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, देखिए रमन रोटेशनल, रमन वाइब्रेशनल, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि वो जो सिलेबस में आएगा रमन रोटेशनल रमन और रोटेशनल, रमन और वाइब्रेशनल, ये क्या है कि MSc या मैं बोलूँ कि IIT JEE के अंदर नहीं होता। तो जो आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल का बोल सकते हैं, जो कि MSc के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा, मतलब MSc एंट्रेंस के लिए नहीं आता वो, ठीक है। तो ये नेट और गेट वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रमन प्लस रोटेशनल और रमन प्लस वाइब्रेशनल, ये वाली थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी, पढ़ना होगा अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो जान लीजिए स्पेशल क्लासेस के बारे में, अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर आपके लिए फ्री क्लासेज होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पेशल क्लासेज। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करोगे तो हो सकता है आपको क्लासेज क्या मिले, लोक मिले। जैसे ही आप पहली बार क्लास देखोगे अनअकैडमी लर्नर ऐप पे, आपको लगेगा लोक का क्लास, बट वहां आप जैसे अनलॉक कोड मांगेगा, आप जैसे ही BKM10 कोड यूज करोगे, ये सारी क्लासेज जितनी भी है अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेज, उनको आप फ्री में देख सकते हो सिर्फ कोड यूज करके, BKM10 कोड। यहाँ आपको देखिए इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज मिलता है, पोल मिलता है, रेज हैंड का ऑप्शन आता है, जैसे ऑफलाइन क्लासेज में बात किया जा सकता है वैसे यहाँ भी क्या किया जा सकता है, रेज हैंड का मतलब आप एजुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्शन बातें कर सकते हो। इसके अलावा लेक्चर नोट्स आपको मिल जाते हैं क्लास के बाद, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे यूट्यूब पे आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने होते हैं, वहां आपको क्या मिल जाता है, लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एनी टाइम एनी वेयर मीन्स आप रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो दोस्तों। मीन्स आप अगर फ्री हो तो लाइव देखिए, अगर आप बिजी है उस टाइम पे तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ये वाली क्लासेज आपके लिए रहेंगी, जैसे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 तक हमने डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर सारे मतलब क्वेश्चंस, एकदम से हर टॉपिक को हमने क्वेश्चन से समझा है कि हाइपर कॉन्जुकेशन है तो हाइपर कॉन्जुकेशन के ढेरों क्वेश्चन किए, मीजोमेरिक है तो मीजोमेरिक के ढेरों क्वेश्चन किए। ऐसा नहीं कि वो सबको ही पता है कि मीजोमेरिक क्या होता है, प्लस आर क्या होता है, प्लस एम क्या होता है, हाइपर कॉन्जुकेशन क्या होता है, बट जब उनका एप्लीकेशन पार्ट की बात आती है तो वो करना जरूरी है। देखिए आपने पढ़ तो स्टार्टिंग में लेते हैं, प्लस वन में पढ़ लेते हैं हाइपर कॉन्जुकेशन क्या होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस आज भी आपके लिए एक सेशन है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, शाम को 6 बजे हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइफ साइंस के लिए पार्ट सी के लिए जो प्रयास टेस्ट सीरीज है 16 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, लाइफ साइंस के स्टूडेंट इसको एनरोल कर सकते हैं। इधर फ्री गेट सीरीज चल रही है, गेट फ्री सीरीज पार्ट बी के लिए अलग से है, 15 नवंबर से सीरीज स्टार्ट है प्रयास टेस्ट सीरीज के नाम से। लाइफ साइंस के लिए 3 नवंबर से नया बैच स्टार्ट है। इसके अलावा अगर बात करें फुल लेंथ मॉक टेस्ट की, 13 नवंबर से स्टार्ट है, ठीक है, इनरोल कर सकते हैं। आउटसाइड बैच स्टार्ट फ्रॉम 10 नवंबर, ये भी 10 नवंबर से स्टार्ट है। तो ये सारे जो नए बैच हैं इनमें आप इनरोल कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं। अगर हम बात करें यहाँ फिजिक्स के लिए टीफर एग्जाम के लिए 15 नवंबर से PYQ मैराथन स्टार्ट है। यहाँ अगर हम बात करें ए पार्ट, ये सबसे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथ का हो, किसी भी स्टूडेंट्स का रहे हो, केमिस्ट्री कराओ, पार्ट ए जर्नल एप्टीट्यूड के लिए भी सीरीज स्टार्ट है, आप इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा BKM10 कोड दोस्तों आप यूज कर सकते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन, वेरी गुड आफ्टरनून काजल। तो क्या हो सकता है कि आप एक तो अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो आपको क्लासेज लॉक मिलेगी, उनको अनलॉक करने के लिए आप BKM10 कोड यूज कर सकते हो, एज वेल एज आप प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% डिस्काउंट पा सकते हो। आपको पता है प्लस एंड आइकोनिक पे दो टाइप का सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकोनिक। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेज, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स ये मिलता है, और आइकोनिक के अंदर प्लस वाले फीचर्स के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आइकोनिक के ऊपर मिलता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप पाओगे कि प्लस के ऊपर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर, शेड्यूल कोर्स, ये आपको सिर्फ मिलता है आइकोनिक एंड प्लस के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये सारे फीचर्स आपको कहाँ मिलते हैं,
सबके सब फीचर्स ओनली एंड ओनली आइकॉनिक के ऊपर मिलते हैं। तो इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होगा, अपना कैटेगरी चूज करना होगा, और ये ऐप डाउनलोड करके आप जो फ्री क्लासेज हैं जिनको स्पेशल क्लासेज बोलते हैं उनको भी देख सकते हो। इनके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास क्या रहेगा, 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ ये पेड सब्सक्रिप्शन है प्लस एंड आइकॉनिक, अगर कोई पेड सब्सक्रिप्शन के साथ जाता है तो ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, स्पेशल क्लासेज में तो बिल्कुल फ्री होता है, यहाँ आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है BKM10 कोड यूज करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले आज अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बग्स बंटी रिगार्डिंग इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, आप सभी को पता ही है। वेरी गुड आफ्टरनून सिमी सिंह, ठीक है, और लाइक शेयर करने के ना भूलें। शाम को 6 बजे मिलेंगे हम कहाँ, ऐप के ऊपर 6 PM। फर्स्ट टाइम अगर कोई विजिट करता है तो BKM10 कोड यूज करके आप क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो क्लास को। अब चलते हैं जी आज के अपने टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम देखिए, अब तक जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने खत्म कर दिया था, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा डिस्कस करना है मुझे, उसके बाद हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बार एक क्वेश्चन आता है कई बार एक प्लॉट से, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में, डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में, उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक टॉपिक है जो कि आपके साथ डिस्कस करना है। क्या है, देखो प्लॉट के बारे में है ये क्वेश्चन, आपसे पूछता है ब्रिज स्पॉनर प्लॉट, ये किस काम आता है। देखो आपने डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में हमने देखा था, डिसोसिएशन एनर्जी अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं प्रीवियस लेक्चर से, हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिसोसिएशन एनर्जी की बात की थी, डिसोसिएशन एनर्जी की, कि डिसोसिएशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला भी मैंने बताया था, कोई लिखेगा टाइप करेगा सर यह फॉर्मूला था, अगर कोई लेक्चर्स लगातार देख रहा हो तो DE जो डिसोसिएशन एनर्जी थी वो मैंने कुछ बताई थी आपको, ωE/4xE करके, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था ωE/4xE। अब इसमें देखिए इस प्लॉट में क्या होता है, इस प्लॉट से भी हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये क्या बताता है, ये बताता है अपने लिए विमान, मेरे पास क्या है एन नंबर ऑफ क्या है वाइब्रेशनल लेवल्स है, जो कि मैंने लास्ट टाइम तुमको निकलवा दिया था एन मैक्स करके। भाई किसी रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ लेवल्स होंगे, हमने बोला था एन मैक्स, एन मैक्स मतलब इतना मैक्सिमम लेवल इतना हो सकता है, उसके बाद क्या कर जाएगा ये वाला प्लॉट आपको याद आ रहा होगा, ये वाला प्लॉट, ये वाला जिसमें मैंने ये बोला था कि यहां आकर बॉन्ड क्या कर जाता था, ब्रेक कर जाता था, ये वाला अगर आपको ध्यान में हो तो, यहां आकर बॉन्ड मैंने बोला था ब्रेक कर जाता है, तो इसमें जो जहां बॉन्ड ब्रेक कर जाता है वहां तक भाई मैं ये बोल सकता हूं इतने लेवल से यहां तक जाके DE मिल रहा था मेरे को, डिसोसिएशन एनर्जी। तो आपको प्लॉट में कैसे फाइंड आउट करवाएगा, इस प्लॉट से, इस प्लॉट की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एग्जामिनर पूछेगा आपसे, देखिए मान लीजिए यहां कोई ट्रांजिशन होगा, वो क्या होगा, आप बोलोगे सर एनर्जी ऑफ एन प्लस वन लेवल की और माइनस एनर्जी ऑफ ई एन एनर्जी लेवल, भाई किसी एक क्वांटम नंबर से लेकर दूसरे क्वांटम नंबर तक का एनर्जी हमें पता है डेल्टा का वैल्यू क्या था, प्लस माइनस वन था, तो इसलिए मैंने एक को एन प्लस वन मान लिया, एक को एन मान लिया। यहां आपके लिए वाइब्रेशनल जो एनर्जी गैप आएगा, या मैं बोल दूं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो रहेगी दो गैप के बीच का, वो कितना रहेगा, आप कहोगे सर ओमेगा ई माइनस टू ओमेगा ई एक्स ई और म्यू बार म्यू डैश प्लस वन, म्यू डैश क्या होगा, हायर क्वांटम नंबर होगा, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। अब देखिए जब इसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास एक प्लॉट आएगा। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, देखिए प्लॉट इसी नाम लिए बोला है प्लॉट, कैसे निकलवाएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा वो देखिए, आपको प्लॉट जब इसका आप ड्रॉ करोगे, भाई आपने क्या किया डेल्टा वी या डेल्टा एक्स बोल दीजिए एनर्जी के रिस्पेक्ट में और वी डैश प्लस वन के, तो आपके पास जो प्लॉट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। देखिए स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा मुन्ना, स्लोप क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ये मेरे पास क्या है एक्स है, ये मेरे पास क्या है एक्स है, इसको मैं लिख देता हूं यहां, ये एक्स है ये एम है और ये सी है, इंटरसेप्ट कितना है मेरे पास ओमेगा ई, अगर आपसे पूछेगा तो इंटरसेप्ट कितना है ओमेगा ई, भाई आपको एग्जामिनर दे देगा कि इंटरसेप्ट का वैल्यू ब्रिज स्पॉनर प्लॉट के अंदर है इंटरसेप्ट का वैल्यू इतना है, मतलब ओमेगा ई का वैल्यू दे दिया, और स्लोप हमें पता है कि स्लोप कितना होगा सर, जो एम का वैल्यू होगा और एम का वैल्यू क्या है टू ओमेगा ई एक्स ई, ये वाली बात है। अब यहां से देखिए, यहां से आपके पास ओमेगा ई है और इस ओमेगा ई को जब यहां पुट करोगे आपके पास लेट्स सपोज स्लोप की कुछ भी वैल्यू वो दे देगा एक्स वाई जेड, तो यहां से तुम्हारे पास ओमेगा ई भी तुमको पता है और यहां से तुम क्या निकाल सकते हो एक्स ई निकाल सकते हो, और एक्स ई और ओमेगा ई आ जाएगा तो हम इस वैल्यू में पुट करके और क्या निकाल सकते हैं डिसोसिएशन एनर्जी भी यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में आने वाले टाइम में, कैसे आपसे बोलेगा एग्जामिनर कि ब्रिज स्पॉनर प्लॉट के अंदर स्लोप की वैल्यू इतनी है, इंटरसेप्ट की वैल्यू इतनी है, डिसोसिएशन एनर्जी बताइए, तो डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है ऑलरेडी,
डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ओमेगा ई बाई फोर एक्स ई। अब तुम्हें पता है कि ओमेगा ई क्या है, ये क्या है स्लोप, इसके अंदर जो इंटरसेप्ट है ये क्या है इंटरसेप्ट का वैल्यू, ये आपको दिया मिलेगा। स्लोप का वैल्यू तुमको कुछ दिया होगा, मतलब एक्स वैल्यू ये स्लोप का वैल्यू दिया होगा, ओमेगा ई तुम्हारे पास है, एक्स ई निकाल लोगे और एक्स ई और ओमेगा ई तुम्हारे पास आ गया, तो तुम वहां से क्या सकते हो डिसोसिएशन एनर्जी भी निकाल सकते हो। यहां अभी अपना खत्म हो जाता है कौन सा टॉपिक, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बोलो भाई यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बोलो जल्दी से एक बार, फास्ट बोलिएगा मुन्ना, जल्दी जल्दी से बोलो। बोलो बोलिए, क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है ये वाली? तो ये आपको दिया हुआ मिल सकता है, कहीं बोलोगे सर आपने कराया नहीं, तो ये छोटा सा टॉपिक था मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, ब्रिज पोनर प्लॉट। बोलो भाई इसमें किसी को डाउट है तो कोई बोल दीजिएगा, फिर चलते हैं अपना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। देखिए अब तक जो हमने पढ़ा है ना उससे अलग कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे, देखिए अभी तक तुमने जो पढ़ा है वो आपने इमिशन एब्जॉर्प्शन ऐसा पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, हमने लाइट को एब्जॉर्ब करवाया जिसमें आपने, भाई मैं लिखता हूं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो अब तक जो हम कह रहे थे उसमें एक कंडीशन हम पढ़ रहे थे, बोहर, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या था, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होता था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था मैंने ये बोला था कि कोई भी ट्रांजिशन मुझे करवानी है ना, कोई भी ट्रांजिशन है तो चाहे रोटेशन में हो चाहे वाइब्रेशनल में हो, तो बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहता था किसी भी दो लेवल के बीच में अगर मुझे कोई ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं है, उसके लिए मैंने बोला था पहला ही सिलेक्शन रूल में बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन कि किन्हीं दो लेवल्स के बीच में जहां भी हम ट्रांजिशन या स्पेक्ट्रम देखना चाह रहे हैं बात कर रहे हैं उनके बीच में एनर्जी गैप जितना होगा उतनी ही लाइट की इंसिडेंट रे मुझे क्या करनी थी, डालनी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालना था, मतलब इसका एनर्जी डलने वाली रेडिएशन का एनर्जी और ये वाला गैप का एनर्जी दोनों का एनर्जी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। आ रहा है बात समझ में कि दोनों का एनर्जी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, मतलब डेल्टा ई। अगर मैं यहां बात करूं ये एच म्यू अगर रेडिएशन डल रही थी तो यहां मेरे पास क्या होगा डेल्टा ई। अब मैंने ये बोला कि साहब ये तो बात ठीक है डेल्टा ई वाला, तो भाई ये तो था बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें कोई जरूरत नहीं है बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन की, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो आएगी रेडिएशन वो हमारे पास क्या होगा भाई जो फोटोन डाल रहा था उसी एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी होना चाहिए, मतलब बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन हम यहाँ हमारे पास क्या है नॉट रिक्वायर्ड लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड। तो बहुत सी चीजें तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि हमारे पास यहाँ कोई भी जो रेडिएशन या जो हम क्वांटम के बात करेंगे लेवल्स के बीच में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां हमारे पास उन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप जितना होगा उतनी ही हमको रेडिएशन डालना होगा, ऐसा नहीं होगा। यहां तुम यहां क्या पढ़ते हैं, हम यहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ना इमिशन पढ़ते हैं ना एब्जॉर्प्शन पढ़ते, क्या पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी दो टाइप से होगा, यहां एक होगा इलास्टिक स्कैटरिंग और एक होता है इनइलास्टिक स्कैटरिंग। क्या होगा आप बोलोगे सर दो टाइप का स्कैटरिंग होगा, एक तो होगा इलास्टिक स्कैटरिंग इलास्टिक, और एक क्या होगा नॉन इलास्टिक, इन इलास्टिक या नॉन इलास्टिक बोल सकते हैं, इन इलास्टिक ठीक रहता है, ज्यादा बोलना इन इलास्टिक स्कैटरिंग। दोनों में क्या डिफरेंस होगा बोलिएगा जल्दी से फटाफट से, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, स्कैटरिंग और इन स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग का क्या मतलब है भाई। देखो आपके पास तीन टाइप की लाइन्स आएंगी, या रेले लाइन्स, स्टोक लाइन्स, एंटी स्टोक्स लाइन्स, स्टोक लाइन्स, एंटी स्टोक्स लाइन्स और रेले लाइन्स। अब देखिए इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या हुआ, यहां मान लीजिए मेरे पास कोई एक पार्टिकल यहां था, एक पार्टिकल उसने लाइट उस पर डाला, कोई भी इंसिडेंट लाइट मैंने डाला और वो लाइट डालने के बाद लेट्स सपोज यहां चला गया, ठीक है, और यहां बीच में भी लेवल है, ठीक है, ये अलग अलग लेवल्स है। अब देखिए उसने वहां से जब वो चला तो उसने क्या किया, लाइट इमिट कर दिया और नीचे आ गया, ठीक है, मतलब लाइट स्कैटरिंग। अब क्वांटम मॉडल में हम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे ना, लेवल्स के बीच की बात करेंगे, तो मैंने क्या बोला भाई जो लाइट डाला था लेट्स यू ये एच म्यू का डाला था और ये जो इमिट हुआ वो एच म्यू डेस था, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं भाई इंसिडेंट लाइट और स्कैटरिंग लाइट, समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऊपर गया नीचे आया दोनों का सेम एनर्जी, जब ऐसा हो जाए कि इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटरिंग रेडिएशन, इंसिडेंट और स्कैटरिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो जाए, तो जब उस टाइम पे जो हमें लाइन मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं
रिले लाइन, क्या बोलते हैं रिले लाइंस, क्या बोलते हैं रिले लाइंस, रिले लाइंस। ये इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास इंसिडेंट और स्कैटरिंग दोनों का फ्रीक्वेंसी या एनर्जी सेम हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं रिले लाइन। अब इसको मैं वेव नंबर की टर्म में लिखना चाहूंगा तो दोनों तरफ से क्या कर दूंगा एच सी से डिवाइड कर दूंगा। आप क्या बोलोगे एच सी से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा म्यू म्यू बार के इक्वल आ जाएगा, म्यू एंड म्यू बार वेव नंबर इक्वल आ जाएंगे म्यू डैश और म्यू बार का। इंसिडेंट और स्कैटरिंग लाइट का जब इक्वल हो जाएगा तो उसी केस में तुम क्या बोलोगे उसको इलास्टिक स्कैटरिंग बोलोगे। इलास्टिक स्कैटरिंग वो जब हमने इंसिडेंट रेडिएशन डाली और जो स्कैटर्ड हुई दोनों की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी क्या हो सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं उस टाइम पे जो लाइन ऑब्जर्व होगी उसको क्या बोलेंगे रेले लाइन बोलेंगे। यहां तक की बात सबको समझ में आई कि नहीं आई रेले लाइन। अब दूसरा है कि इन इलास्टिक वाला क्या होगा सर, इन इलास्टिक वाला देखिए इन इलास्टिक के केस में दो केस हो सकते हैं तुम्हारे पास। इन इलास्टिक के केस में तुम्हारे पास लेट्स सपोज एक ये वाला लेवल है एक ये वाला लेवल है और एक ये लेवल, तीन लेवल मैंने बना दिया समझाने के लिए। मैंने कोई रेडिएशन डाल दिया कोई भी एच म्यू रेडिएशन, यहां से क्या हुआ पहले पार्टिकल ऊपर, पार्टिकल ऊपर से आते टाइम एक तो पार्टिकल ऐसे यहां पहुंच गया मान लीजिए, क्या हुआ मतलब वो क्या रहा नीचे तक नहीं आया कहीं ऊपर ही रुक गया, कहीं ऊपर ही रुक गया किसी अदर एनर्जी लेवल में और उस टाइम उसने जो फ्रिक्वेंसी इमिट किया या लाइट जो स्कैटर्ड हुआ वो क्या हुआ म्यू डैश एच म्यू डैश। इस केस में दोनों इक्वल नहीं है, ये बात तुमको मानना पड़ेगा कि इन दोनों में ये क्या है फ्रीक्वेंसी जो है मैं ये बोलूंगा एच म्यू जो है अगर ये वाला गैप मेरे पास क्या है डेल्टा ई है, अगर इन दोनों का दो लेवल के बीच का गैप डेल्टा ई है तो मैं क्या बोलूंगा जो मैंने लाइट इंसिडेंट लाइट डाली थी ये कौन सी है इंसिडेंट लाइट है, जो रेडिएशन मैंने डाला है जिस फ्रीक्वेंसी का जिस एनर्जी का इसमें क्या होगा मेरे पास एच म्यू डैश प्लस डेल्टा ई। यहां तक की बात समझ आ रही है, अगर मैं दोनों को इक्वल लिखता हूं तो मुझे पता है कि ये तभी इक्वल हो पाएगा जब ये डेल्टा ई का गैप जो है ये क्या रहे प्लस करे। अब तुम ये कहोगे जो इंसिडेंट है, अब यहां तुम अगर देखना चाहो तो तुम अगर वेव नंबर की टर्म में बात करोगे तुम दोनों को डिवाइड कर दोगे एच म्यू से, यही तो करोगे ना भाई। देखो यहां जब तुम इसको ये वाली रेडिएशन की बात करेंगे कि जो एमिट हुई है लाइट इसको मैं ऐसे लिखूं एच म्यू डैश इज इक्वल टू एच म्यू माइनस डेल्टा ई, एच म्यू डैश माइनस डेल्टा ई डेल्टा ऐसा लिख सकता हूं। अब तुम ये देख पा रहे होंगे कि ये जो स्कैटर्ड लाइट है इसका फ्रीक्वेंसी और जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थी उसमें किसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मैं यहां से तुम देख सकते हो ना कि यहां कुछ ना कुछ टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है दोनों को इक्वल करने के लिए। इसका मतलब ये वाला वैल्यू ज्यादा रहा होगा, आ रही बात समझे, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं म्यू बार जो है म्यू डैश जो है वो कम है म्यू से, भाई जो ये म्यू है वो तो इंसिडेंट को बता रहा है इंसिडेंट रेडिएशन को और ये किसको बता रहा है स्कैटरिंग वाली को। तो मुझे बताइए जब कम होगा स्कैटर्ड का तो जब हमें इस केस में म्यू डैश लेस देन म्यू उस केस में जो हमें लाइन मिलेगी उसको क्या बोलोगे स्टोक्स लाइन, क्या बोलोगे स्टोक्स लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे आएगा, अभी अभी तो ये स्टार्टिंग है कि स्टोक्स लाइन क्या होती है। अगर मैं इसको देखो एच सी से डिवाइड करता हूं दोनों तरफ, क्या करता हूं एच सी से डिवाइड करता हूं तो तुम्हारे पास कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगा। लेट्स सपोज मैंने यहां भी एच सी से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ एच सी और एच सी से, तो इसमें क्या होगा तुम बोलोगे म्यू बार इज इक्वल टू म्यू माइनस डेल्टा ई बाय एच सी। ये जो होगा डेल्टा ई बराबर एच सी जो माइनस हुआ है इसी को क्या बोलते हैं रमन शिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं रमन शिफ्ट, रमन शिफ्ट क्या बोलते हैं रमन शिफ्ट। भाई सिंपल है भाई, हमने जो रेडिएशन डाली और स्कैटरिंग रेडिएशन जब इक्वल नहीं होगी तो उनका कुछ ना कुछ गैप होगा। ये क्या था स्कैटर्ड वाले की थी और स्कैटर्ड वाले का जो जो मामला होगा म्यू डैश था, अगर वो कम हुआ कम तो अपने आप ही होगा वो एनर्जी गैप उसका दिखाई दे रहा है कि एक में हम जब इसके इक्वल हम ऐड कर रहे हैं इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तब हमारे पास म्यू डैश के इक्वल म्यू आ रहा है, मतलब म्यू का वैल्यू ज्यादा रहा होगा इंसिडेंट वाले का ज्यादा रहा होगा। सर वैसे यह बोर कंडीशन ही है, नहीं नहीं मुन्ना ये मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हें क्वांटम में समझाने के लिए। अब देखो वहां हम क्या बोलते थे कि कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, अगर मैंने तुमको अगर तुमने लास्ट टाइम देखा होगा सिमी सिंह तो आपने हमने क्या बोला था कि अगर तुमको यहां से इस रूम पे जाना है लेट्स सपोज यहां से यहां तुमको पहुंचना है ठीक है तो वो पौड़ियां जो है वो कंप्लीट सीढ़ियां उसके इक्वल होनी चाहिए, मतलब ना तो उसकी एनर्जी ज्यादा वाली होनी चाहिए ना वो कम वाली होनी चाहिए। अगर हम इमिशन की बात करें तो मैंने बोला कि किसी भी एक ऊपर से मान लीजिए ऊपर यहां से यहां पहुंच गया पार्टिकल ठीक है एक स्पेसिफिक पे पहुंचाने के लिए बात कर रहा था, या मैं ये पूछ रहा हूं ये बोल रहा हूं किसी एक्स पे पहुंच गया और उससे आते टाइम वो ऐसा हो सकता है कि वो बीच में भी रुक जाए, हो सकता है वो ग्राउंड लेवल पे भी आ जाए ठीक है। अगर ग्राउंड लेवल वाला हो गया केस तो हम रेले लाइन बोल देंगे, वहां हमने कुछ ऐसा डिफाइंड नहीं किया था, वहां हम एक ही चीज रख रहे थे भाई यहां तो यहां से पार्टिकल यहां जाएगा और यहां पार्टिकल आएगा, उसी को हम सिर्फ नाम दे रहे थे ट्रांजिशन एक ही टाइप का, क्लियर हुआ। यहां ये हम इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं कि हमारे पास अब तुम्हारे पास में क्या है चार फ्लोर है, तुम्हारे घर में क्या है चार फ्लोर है, तो ऐसा बोला
कि अगर तुम पहले फ्लोर से चले और तीसरे फ्लोर पे पहुंच गए और आते टाइम तुम क्या कर रहे हो, अपनी मर्जी से क्या कर रहे हो, या तो दूसरे फ्लोर पर ही रुक रहे हो या तुम ग्राउंड फ्लोर पर ही आ रहे हो थर्ड फ्लोर से, या तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है कि तुम उसी फ्लोर से क्या कर रहे हो ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हो, आ रही बात समझे। तो वहां तुम्हारे पास ये सिचुएशन नहीं हुआ करती थी। बोर कंडीशन यही था कि अगर हमें ट्रांजिशन के बारे में बात करनी है तो हमें बीच में कहीं नहीं रुकना होगा, जिस लेवल से चल रहे हैं जिस लेवल पे आ रहे हैं उन्हीं के बीच में बात करेंगे हम, इक्वल वाली बात। आ रहा है बात समझ में? ये मैंने ये बोला है वैसे स्केटरिंग, ये स्केटरिंग नहीं होता। स्केटरिंग का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि यहां से पार्ट, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में तुमको समझाने के लिए बात की जा रही है लेवल्स की। तुम्हें भी पता है स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बोलो जल्दी से एक बार, कोई डेफिनेशन बताओगे स्केटरिंग ऑफ लाइट की? डेफिनेशन क्या बोलोगे कि सर स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? कितने लोगों को पता है स्केटरिंग ऑफ लाइट? जल्दी से बोलो फटाफट से, जल्दी से जल्दी से बोलो यार। अपने पाथ से लाइट जब क्या कर जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उसी को स्केटरिंग बोलते हो। जब अपने पाथ से लाइट क्या हो जाए, स्कैटर्ड हो जाए। सिमी सिंह ये बात समझ में आया तुमको? यही ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर आपने यहां से यहां तक भेज दिया जो लाइट डाली है। यहां देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक बार इनको इक्वल मान के चल रहा हूं। अब ये इक्वल होता है तब हम वहां ये बात करते थे कि इक्वल होता है, इक्वल होता है तो हम उसको क्या बोलते थे, बोर कंडीशन बोलते थे। यहां मैं तीन केस ले रहा हूं, इक्वल भी ले रहा हूं, नहीं इक्वल भी ले रहा हूं, एक कम ले रहा हूं एक ज्यादा ले रहा हूं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो यार? क्या ये बात समझ में आया भाई? अभी देखो इसको मैंने स्टॉक बोल दिया, जब इसका क्या था इन इलास्टिक में, जब इसका फ्रीक्वेंसी जो निकलने वाली स्कैटरिंग लाइट थी वो कम थी। अब देखो दूसरा केस क्या होगा, अब तुम्हें समझ आएगा। अब देखो, अब मैंने यही वो तीन लेवल मान लीजिए, मैंने तीन रूम बना दिए तुम्हारे ऊपर नीचे। पार्टिकल एक बार यहां भी है, इस बार क्या चला, पार्टिकल यहां से चल पड़ा मान लीजिए स्कैटर्ड। लाइट यहां से क्या हुआ, जब लाइट स्कैटर्ड हुई तो वो लाइट क्या हुई, जो इमिट हुई एच म्यू डेस, और यहां क्या डाली मैंने, एच म्यू डाली। इस केस में देखो जो स्कैटरिंग लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि उसका तुमको गैप दिखाई दे रहा होगा, एनर्जी का गैप क्या है, ज्यादा है, और डेल्टा ई ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा, एच म्यू, अगर इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो मैं ये लिखूंगा ना, एच म्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, और इक्वल टू, या प्लस में लिखूंगा ना, इस बार ये ज्यादा है तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू करूंगा इसके, इधर मैं इसको जैसे यहां लिखा है एच म्यू डेस, तो आप ऐसे दिखा सकते हो एच म्यू डेस। इस बार क्या होगा, देखो जो हमने फ्रीक्वेंसी डाली है एच म्यू प्लस डेल्टा ई, क्योंकि इस बार ये जो डेल्टा गैप ई का है ये ज्यादा है उससे, ये तो हमने डाली वो स्कैटरिंग वाली थी वो, और ये वाली उसने स्कैटर्ड की वो। अब यहां डेल्टा ई का क्या है, गैप ज्यादा है, तो अब ये तुम बोल सकते हो ना, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल तब है जब इसमें हम कुछ ना कुछ फैक्टर एड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दो चीजों को तुमने ऐड किया, मैंने ये बोला कि इधर पांच है मेरे पास और इधर तुम्हारे पास तीन है, दोनों को इक्वल लिखने के लिए तुम इसमें तो पांच में दो, तीन में दो ऐड कर रहे हो, मतलब ये वाला नंबर क्या है, बढ़ा रहा होगा, तभी तो ये इक्वल हुए जब इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया। तो मैं यहां क्या बोलूंगा, वी डैश जो है वो क्या रहेगा अपने पास, ज्यादा रहेगा म्यू की बजाय। उसमें क्या था, कम था तो स्टोक्स लाइन आती है, अगर ज्यादा हो स्कैटरिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी तो हम क्या बोल देंगे, आप क्या बोलोगे, वो क्या होगा, एंटी स्टोक लाइन होगा, एंटी स्टोक्स लाइन। क्या ये क्लियर हुआ भाई तुमको, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स, ये बात समझ में आई? अभी समझ पा रहे हो? देखो हमने जितना रेडिएशन डाला नहीं ना, जितना हमने उसको अब तुम वहां तो बात करते थे एब्जॉर्ब करने की, या अब अगर ऐसा होता तो ये नीचे तक कैसे आ सकता था मुन्ना, अगर ये इमिशन एब्जॉर्प्शन जैसा मामला होता तो नीचे नहीं आता। आ रही है बात समझ में भाई? जितना एब्जॉर्ब नहीं किया उतना एमिट ही कर दिया इसने, तो मतलब पास से कर दिया, उसका मतलब तो ये हुआ ये क्या है, स्कैटरिंग है, नॉट एब्जॉर्प्शन इमिशन। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोगों को क्लियर हुआ भाई, बोलो जल्दी से फटाफट से, ये टॉपिक कितने लोगों को क्लियर हो गया फटाफट से, दोनों टॉपिक बताओ फटाफट से। अच्छा अब तुमसे एक बात और पूछ लूं मैं जल्दी से, अब तुमको दोनों चीजें पता चल गई, एक स्टोक्स आती है एक एंटी स्टोक्स लाइन आती है। मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई साहब मुन्ना मेरे पास ऐसा आएगा ग्राफ, जैसे हमने पी और क्यू पढ़ा था, इधर मेरे पास क्यू हुआ करता, इधर आर हुआ करता था, इधर क्या होता था, पी हुआ करता था, ठीक है। ऐसा ही तुम्हारे पास क्या होगा इसके अंदर होगा। यहां तुम क्या बोलोगे, रेले लाइन्स है ये वाली, लेट्स सपोज ये वाले रेले लाइन्स है, इस साइड तुम बोल दोगे ये एंटी स्टोक्स लाइन है और इधर तुम बोल दोगे स्टोक्स लाइन है, ऐसे ही तुम्हें देखने को मिलेगा। आगे आएगा स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे तब। मैं अभी ये बोल रहा हूं कि मैं साहब ये जानना चाहता हूं कि इंटेंसिटी कौन से लाइन्स की ज्यादा होगी, इंटेंसिटी कौन से लाइन्स की ज्यादा होगी, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, स्टोक्स लाइन की या एंटी स्टोक्स लाइन्स की। जल्दी से आंसर कीजिए, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन में किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन में किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी, फटाफट से आंसर करिएगा।
स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइन में किसका एनर्जी ज्यादा होगा? बोलो भाई जल्दी से फटाफट से। हाँ जी आंसर कीजिएगा, स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स लाइन। स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स लाइन किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा? दोनों लाइन में स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स में इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा बताओ यार, कमाल करते हो, बोलते नहीं हो एक तो तुम, बिल्कुल मन नहीं करता तुमको पढ़ाने का, ना कोई बोलता है ना कुछ हो रहा है। पता नहीं कौन से पैसे लगते हैं कमेंट करने के। ठीक है भाई, ना समझ आए तब बोल देना। ठीक है भाई, इंटेंसिटी लाइन की मतलब ये है कि अगर मैं अभी दोनों की स्पेक्ट्रम की बात करूं तो लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था कि जब ग्राउंड लेवल पे जो नीचे जिसकी एनर्जी लो होगी ना वहां पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे। वहां से अगर कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी स्पेक्ट्रम के बारे में, जब हमारे पास इन लो एनर्जी लेवल्स पे बात करें तो पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे लो एनर्जी लेवल्स में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां तो तुम बात कर रहे हो इस लेवल से किसी पार्टिकल को तुम स्ट्राइक करवा रहे हो उसके बाद स्कैटरिंग देख रहे हो। एक तुम वहां बात कर रहे हो, जैसे देखिए एक तुम्हें लाइट डाली किसी सॉल्यूशन के अंदर यहां से, ठीक है, इस सॉल्यूशन में मान लीजिए यहां को इस सॉल्यूशन पे लाइट डाली तुमने, यहां मॉलिक्यूल थे 3 और एक यहां मॉलिक्यूल थे, यहां मॉलिक्यूल थे मान लिए 30 और यहां मॉलिक्यूल तुम्हारे पास जो हायर लेवल है उस पे मॉलिक्यूल तुम्हारे पास है 15, तो जिसमें स्कैटरिंग वही तो ज्यादा होगी जहां पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। भाई लाइट जहां कुछ भाई किसी को चेक करना है, भाई तुम कह रहे हो सिंपल सी भाषा में बताऊं, तुम किसी के ऊपर लाठियां बरसाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, लाठियां बरसाना चाह रहे हो। एक तुम्हारे सामने 10 लोग खड़े हैं, एक तुम्हारे सामने 2 लोग खड़े हैं और तुमको आंख बंद करके ऐसे लाठी घुमानी है, तो जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां लगने के चांस ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात यह है, जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां लगने के चांस ज्यादा होंगे। तो यहां से जो स्कैटरिंग होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ये तो सबको पता है। तो क्या बोलोगे जल्दी से बोलो यार, जल्दी से बोलो। समझ आया? तो सिंपल सा समझ आ रहा होगा, यहां पार्टिकल कम है तो यहां स्कैटरिंग कम होगी, तो स्कैटरिंग कम होगी तो इंटेंसिटी भी कम होगी। क्या बोलोगे, एंटी स्टोक्स लाइन की, एंटी स्टोक्स लाइन की, एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी, लेस होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, इज लेस कंपैरिजन टू, जब कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, स्टोक्स लाइन के साथ, स्टोक्स लाइन के साथ जब कंपैरिजन करोगे तो उसके कंपैरिजन में तुम्हारे पास इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, एंटी स्टोक्स की कम होगी, स्टोक्स की ज्यादा होगी, सेमीसिंग स्टोक्स की ज्यादा होगी। क्योंकि यहां अगर हम देखें तो मैं कहूंगा यहां एनर्जी इसकी लो है और यहां एनर्जी हाई है, और हाई एनर्जी पे हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम क्या बोलेंगे, कम मिलेंगे। बोलो यार जल्दी से, एक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा सॉल्यूशन कैसा लेंगे, कंसंट्रेटेड ले या डाइल्यूट ले, कंसंट्रेटेड ले या डाइल्यूट ले, सॉल्यूशन कैसा ले मुन्ना, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कैसा ले? सर स्टोक्स लाइन में एनर्जी गैप कम है तो ज्यादा एक्साइट होगी, तो ग्राउंड स्टेट में कम मॉलिक्यूल होने चाहिए और इंटेंसिटी भी कम होनी चाहिए, स्टोक्स लाइन की कम होनी चाहिए। नहीं मुन्ना, नहीं नहीं नहीं, एंटी स्टोक्स लाइन इज लेस एज कंपेयर टू स्टोक्स लाइन, इंटेंसिटी किसकी कम होगी? सर स्टोक्स लाइन में एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप की कहां बात की है, अभी कुछ बात ही नहीं किया एनर्जी गैप का। तो ये तो फैक्टर दोनों में सेम रहेगा, देखो एक मिनट बात सुनो, डेल्टा ई जो रहेगा, एक बात सुनो मेरी बात, जो रमन शिफ्ट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा ना दोनों में। अरे रमन शिफ्ट जो रहेगा वो तो सेम रहेगा मुन्ना, रमन शिफ्ट चेंज थोड़ा होगा, बस एक में प्लस हो रहा होगा एक में माइनस हो रहा होगा। रमन शिफ्ट का वैल्यू किसी में एक में उतना माइनस हो रहा होगा, एक में उतना कम हो, एक में ज्यादा हो रहा होगा। अच्छा ट्रांजिशन किस पे डिपेंड करता है मुन्ना, अगर लास्ट के लेक्चर्स आपने देखे हो, सीमित सिंह लास्ट के लेक्चर्स देखे, पहले तो ये बताओ वाइब्रेशनल रोटेशनल ये सारे देखे मैंने जो चीजें पढ़ाई है वो, ये क्वेश्चन तुम नहीं करते अगर तुमने पीछे वाले लेक्चर देखे होते तो। मुझको ये बताओ वाइब्रेशनल रोटेशनल, रोटेशनल वाइब्रेशनल तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी तुमको पढ़ाई है वो, पढ़ा तुमने लास्ट वाला, वहां हमने पॉपुलेशन रेशियो के बेस पे इंटेंसिटी की बात की थी कि किसी भी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन रेशियो के ऊपर पूरा एक टॉपिक था, ग्राफ भी बनाया था, यह भी देखा था कि पॉपुलेशन रेशियो का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है, एनर्जी के साथ क्या इफेक्ट होता है। पहले वो बताइएगा मेरे को, वो पढ़ाया क्या आपने लास्ट वाला जो पॉपुलेशन रेशियो के बारे में बात किया था हमने,
पॉपुलेशन रेशियो का रोटेशनल में, वाइब्रेशनल में, वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल में जो चीजें पढ़ी है उनके बारे में डिस्कस किया वो पता? नहीं नहीं ये गलत है। जब पार्टिकल्स नहीं होंगे तो गैप किस, गैप बना रहेगा, अगर पार्टिकल ही नहीं होंगे तो कहां पहुंचेगा? पॉपुलेशन रेशियो के नाम से एक टॉपिक पढ़ाया तो उनको रोटेशनल में वो पढ़िएगा एक बार, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नहीं सर, अन्नो सर आज फर्स्ट है इसीलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन वो पढ़ा होता ना तो हमने वहां डिस्कस किया था कि किसी लेवल के अंदर अगर पॉपुलेशन है, अभी इसको ही छोड़ो, लास्ट लेक्चर में पी और आर ब्रांच के अंदर बात की थी हमने, पी ब्रांच और आर ब्रांच के अंदर बात की थी, वहां हमारे पास जे का वैल्यू अलग अलग था, एक में जे का वैल्यू 1 था और एक में जे का वैल्यू 0 था। अगर मैं पी और आर की बात कर रहा था ना तो यहां मेरे पास जे का वैल्यू अलग अलग था भाई, एक में मेरे पास जे का वैल्यू 0 ये था और एक में जे का वैल्यू यहां था, लेट्स सपोज ये 0 जे था और यहां 1 था, एक में ट्रांजिशन यहां से स्टार्ट कर रहे थे और एक में ट्रांजिशन यहां स्टार्ट कर रहे थे। उस टाइम भी मैंने यही तुमसे क्वेश्चन किया था कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन जहां ज्यादा होंगे वही क्या होंगे अपने पास, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो मैंने वहां भी तुमसे पूछा था पी और आर में किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो वहां क्या जवाब था कि जो हायर एनर्जी पे होगा उसके अंदर क्या रहेगा, हायर एनर्जी पे जो होगा उसके पास पार्टिकल्स कम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हायर एनर्जी में कम होंगे तो वहां ट्रांजिशन का पॉसिबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा एज कंपेरिजन टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो एक बार आप वो देखोगे ना आपको और क्लियर होगा। आप पॉपुलेशन रेशियो वाला स्पेशली देखना जिसके अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट और साथ ही किसका एनर्जी का इफेक्ट डिस्कस किया गया मुन्ना। ठीक है, बोलो यहां तक किसी को बात समझ में आई? दूसरा, सॉल्यूशन कैसा लेके चलेंगे, कंसंट्रेटेड लेके चलेंगे या वो लेके चलेंगे डाइल्यूट? क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड लेके चलेंगे, दूसरा लाइन लिख लेना, कंसंट्रेटेड। क्या लेके चलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहां तक बोल दो भाई, किसी को कोई डाउट है तो, दोनों टॉपिक में आज के अब तक के डाउट है क्या किसी को, अब तक के टॉपिक में, अब तक के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हां जी मुन्ना लो, बोलो यार। यस सर, समझ आ गया, थैंक्स। ठीक है जी, अब देखो वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर। अब आगे चलते हैं, आज का अभी जो टॉपिक चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे पास ब्रांच आएगी, अभी तक तो हमने यही देखा ना भाई, ये मेरे पास अगर म्यू है तो इसमें से कुछ एनर्जी घट रहा है एक साइड, कुछ एनर्जी बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन में हाइयर होंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। हाँ जी बिल्कुल, अब समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, अभी चलो नेक्स्ट। आगे मैंने अभी बात करनी है किसके बारे में, देखो अभी तक जो हमने एक ही चीज पढ़ी, हमने क्या पढ़ा है, एक तो रेले लाइन, रेले लाइन, दूसरा हमने स्टोक्स लाइन, स्टोक्स लाइन, और एक हमने किसके बात बात की है, एंटी स्टोक्स लाइन के बारे में, एंटी स्टोक्स लाइन के बारे में। यहां तुमने क्या क्या चीजें देखी है, एक तो ये देखा कि हमारे पास जब हमने इंसिडेंट डाली और स्केटरिंग की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई तो उस केस में तो हमारे पास रेले लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, रेले लाइन, और अगर कम हो गया स्टोक्स में कम हो जाएगा, एंटी स्टोक्स में ज्यादा हो जाएगा। क्या बोलोगे, एंटी से याद रख लेना, आजकल एंटी पार्टिकल्स ज्यादा है। ठीक है भाई, बढ़िया लोग कम है और जो एंटी है वो ज्यादा है, मतलब अपोजिट वाले ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो याद करने का तरीका कैसे भी, बाकी तुम अपना अपने तरीके से बना सकते हो। और इसको हमने बोला था रमन शिफ्ट, क्या बोला था, रमन शिफ्ट। यहां तक की बात बोलो सबको समझ में आई होगी भाई, एक में एनर्जी कम हो जाएगी, एक में क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। अब तक तुमने जो पढ़ा था ना, अब तक जो तुमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा तुमने पढ़ लिया है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा तुमने पढ़ लिया है, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल तुमने पढ़ लिया है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा तुमने पढ़ लिया, ये तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। रमन में तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, रोटेशनल रमन पढ़ना होगा। अब देखिए आर और वी को एक साथ पढ़ लिया, अब आर प्लस आर, भाई आर रोटेशनल के लिए और आर रमन के लिए, रमन और रोटेशनल को पढ़ना होगा, वी और आर को पढ़ना होगा, ये क्या होगा रोटेशनल, इसको रमन लिख लेना कहीं, रोटेशनल फिर से समझ लो कि रोटेशनल है, रमन इधर भी रमन, रोटेशनल प्लस रमन, वाइब्रेशनल प्लस रमन स्पेक्ट्रा, ये सब आपको पढ़ने होंगे, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी अलग से पढ़ना होगा। आ रही है बात समझ में? एक ये भी पढ़ना होगा, वी प्लस आर प्लस आर, इसका क्या मतलब है, वाइब्रेशनल भी पढ़ेंगे उसके साथ रोटेशनल भी होगा उसके साथ रमन भी होगा, मतलब सबका कॉमन एक ही चीज के अंदर पढ़ेंगे। यहां दोनों जैसे वी प्लस आर पढ़ा, फिर आर रोटेशनल रमन, वाइब्रेशनल रमन, फिर वाइब्रेशनल रोटेशनल और रमन पढ़ेंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, सबसे ये बात बताइएगा। अब बात आएगी सर सिलेक्शन रूल्स, हमने लास्ट टाइम दो चीजें पढ़ी थी,
जब भी हमने सिलेक्शन रूल की बात की थी, जब जब हमने सिलेक्शन रूल की बात की थी, मैंने दो सिलेक्शन रूल के बारे में बात की थी भाई। किसी मॉलिक्यूल में हमें सिलेक्शन रूल की बात की थी, मैंने दो टाइप के सिलेक्शन रूल की बात की थी। एक ग्रॉस सिलेक्शन रूल हुआ करता था, एक ग्रॉस सिलेक्शन रूल, और एक क्या होता, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल सबको पता होगा क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं। ग्रॉस वाले में हम ये बोलते थे, जैसे मैंने रोटेशनल के बारे में बात की तो मैंने ये बोला था किसी मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए ताकि उसके अंदर क्या हो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम चेक करेंगे। ये होता था ग्रॉस। ग्रॉस से पहले एक और पढ़ते थे, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। रोटेशनल और वाइब्रेशनल में पढ़ते थे ट्रांजिशन के लिए कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहला था कि बोहर कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि एक हमारे पास नेसेसरी कंडीशन। ये नहीं था कि इसका होना जरूरी, ये नहीं होगा तो ट्रांजिशन नहीं मिलेगा भाई। ऐसा था भाई, जो बोहर कंडीशन थी वो नेसेसरी तो थी भाई, किसी ट्रांजिशन को ऑब्जर्व करना है तो दो एनर्जी लेवल के बीच का जितना गैप है उतनी एनर्जी की रेडिएशन हमको डालनी पड़ेगी वाइब्रेशनल और रोटेशनल में। बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या था, नेसेसरी था, बट मैंने एक वर्ड लिखाया था नॉट सफिशियंट। नॉट सफिशियंट, नॉट सफिशियंट का क्या मतलब था कि सर ऐसा नहीं था कि आपने यहां से यहां का गैप डेल्टा ही, मतलब 5 जूल का गैप था और आपने 5 जूल का एनर्जी डाल दिया, तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं था कि बोहर कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, बोहर की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हमको ट्रांजिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं था, होना चाहिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि जब भी ये फुलफिल होगी हमको ट्रांजिशन मिलेगा। वो डिसाइड कौन करता था, वो डिसाइड करता था स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, जिसमें आप क्या पढ़ते थे डेल्टा जे का वैल्यू प्लस माइनस वन, कहीं जीरो लिखवाया है, कहीं डेल्टा एन का वैल्यू आपको प्लस माइनस वन से लेके प्लस माइनस टू थ्री फोर करवाया है। ये सारी चीजें मैंने जहां जहां डिस्कस करनी थी सब की है कि कहां स्टोक्स होगा, कहां अपने को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन का वैल्यू अलग होता था, कहीं अलग होता था, कहीं जे का वैल्यू अलग होता था, यहां तक की बातें बोलो, ये समझ में आ रहा है। यहां मुझे दो चीजें पढ़नी है, यहां मैं बोहर कंडीशन के बारे में तो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के बारे में बात हो रही है जो कि मैंने तुमको पहले बता दिया। तो एक चीज तुम्हारे लिए कम कर दी, यहां कौन सी एक चीज तुम्हारे लिए कम कौन सी कर दी, ग्रॉस सिलेक्शन रूल। डायरेक्ट आगे हम बोहर कंडीशन के बारे में आने लिखा जो कि अब तक हम लिखते आ रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ग्रॉस सिलेक्शन रूल के लिए तुम्हारे पास क्या रहेगा, एक चीज लिख लेना कि ग्रॉस सिलेक्शन रूल किसी भी मॉलिक्यूल को अगर रोटेशनल रमन, किसकी बात हो रही है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेबिलिटी होगी तो वो क्या होनी चाहिए, एन आइसोट्रोपिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एन आइसोट्रोपिक होनी चाहिए, एन आइसोट्रोपिक। कैसे लिख लो एक बार, ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या कहता है, फॉर ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल को टू बी, अगर किसी मॉलिक्यूल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव होना है टू ए मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल रमन, अगर एक्टिव होना है। देखिए ग्रॉस सिलेक्शन रूल सिर्फ हमें यह बताता है कि अच्छा किसी, मैंने पूछा कि कौन मॉलिक्यूल रोटेशनली एक्टिव होगा, तो आप बोलोगे जिसमें यार परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा ना वो रोटेशनल। ये क्या है, ग्रॉस सिलेक्शन रूल है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि यार उसके अंदर रोटेशनल की ट्रांजिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो ये बताता था हमको कि भाई ट्रांजिशन अगर आपके पास तीन लेवल है जेके, जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू टू, तो कौन सा ट्रांजिशन दिखाई देगा, कौन सा ट्रांजिशन नहीं होगा, वो क्या होता था, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल था, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी सबको। तो ग्रॉस सिलेक्शन रूल कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिव होने के लिए इट शुड हैव, या लिख लो इट शुड बी, इट शुड बी एन आइसोट्रोपिकली, एन आइसोट्रोपिकली, एन आइसोट्रोपिकली क्या होना चाहिए, पोलराइज्ड होना चाहिए, पोलराइज्ड। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है एक ही जैसा, आइसो का मतलब तुमने सुना होगा, आइसो का मतलब सेम, वेरी गुड इवनिंग प्रीति, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। एनआइसोट्रोपिक का मतलब डिफरेंट, अपोजिट, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, एक्शन में अलग अलग। आइसो का मतलब है सेम है भाई, मैं इधर को जा रहा हूं तो भी मेरे को सेम वैल्यू मिल रहा है। देखो अगर मैं किसी चीज को, देखो किसी मॉलिक्यूल के लिए भी, मान लीजिए मैं एक्स प्रॉपर्टी को चेक कर रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए मैं एक्स प्रॉपर्टी को चेक कर रहा हूं, मैं एक्स डायरेक्शन में गया तो भी मेरे को सेम वैल्यू मिला, वाई में गया तो भी सेम मिला, जेड में गया तो भी सेम मिला, इधर गया सेम मिला, तो वो क्या है, आइसो है। और एनआइसो में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, मतलब सेम ना मिले, एनआईसो में क्या हो जाएगा, सेम ना मिले। अब मैंने ये बोला कि पोलराइजेबिलिटी सेम नहीं होनी चाहिए, भाई मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज ये वाला क्या है, मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है। इसका मेरे मैंने लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में देखा पोलराइजेबिलिटी इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास अल्फा साइन आया,
अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी को बताएगा। अल्फा क्या बताएगा, पोलराइजेबिलिटी को। और अगर मैंने इस डायरेक्शन में चेक किया तो मॉलिक्यूल का पोलराइजेबिलिटी था एक्स डैश, मतलब दोनों का अगर जब जब रोटेशनल रमन एक्टिव कब होगा, अब आप क्या लिखोगे, रमन रोटेशनल एक्टिव कब होगा मॉलिक्यूल, जब इसका अल्फा और अल्फा डैश क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पोलराइजेबिलिटी सेम हो गई, अगर पोलराइजेबिलिटी सेम हो गई हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी सेम हो गई, तो तुम क्या बोल दोगे, वो तो आइसोट्रोपिक हो गया, और आइसोट्रोपिक हो गया तो वो रमन और रोटेशनल रमन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए, एन आइसोट्रोपिक होनी चाहिए, किसी हर डायरेक्शन में मतलब अलग होनी चाहिए। इधर जा रहा हूं तो मेरे पास अल्फा मिल रहा है, इधर जा रहा हूं तो मेरे को अल्फा डैश मिल रहा है, मतलब सेम वैल्यू नहीं दे रहा, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, रोटेशनल रमन एक्टिव बोलूंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। और अगर मैं ऐसा लिख दूं अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, तो तुम क्या बोल दोगे, अल्फा और अल्फा डैश दोनों इक्वल है, तो तुम क्या बोलोगे, ये क्या होगा, रोटेशनल रमन क्या होगा, इनएक्टिव होगा। क्या बोलोगे, इनएक्टिव होगा। रोटेशनल रमन क्या होगा, इनएक्टिव होगा। यहां तक की बात समझ में आई, रोटेशनल रमन क्या होगा, इनएक्टिव होगा। बोलो यार यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, के कौन से मॉलिक्यूल होंगे ईच डायरेक्शन में डिफरेंट, कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो रोटेशनली रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं शो करेंगे या इनएक्टिव होंगे, कौन से होंगे जल्दी से बताइएगा, कौन से होंगे। तुमको मैंने रोटर्स पढ़ाए थे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, रोटर्स, जिसमें मैंने स्फेरिकल टॉप का भी बात किया था, एसिमेट्रिक टॉप के बारे में बात किए थे, बहुत सी बात किए थे, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिक, ठीक है। इनएक्टिव कौन से होंगे बोलो यार, उनमें से एक टाइप का मॉलिक्यूल जो आपको क्या दिखाएगा, हर डायरेक्शन में सेम दिखाता था। अगर आपको याद हो तो स्फेरिकल टॉप के बारे में बात की थी हमने, क्या बात की थी, स्फेरिकल टॉप के बारे में, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के बारे में, जहां मैंने आपको प्रोलेट ओबलेट ये चीजें करवाई थी, आपको पता हो तो सिमेट्रिक रोटर, एसिमेट्रिक रोटर, ये वाली चीजें करवाई थी, स्फेरिकल रोटर, उनके बारे में। अगर आपके पास स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल हुए, क्या हुए, टॉप मॉलिक्यूल का, स्फेरिकल टॉप टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, उस कैटेगरी का कोई भी मॉलिक्यूल, उनके अंदर तुमको उस कैटेगरी में कौन कौन आता था, परफेक्ट, यहां तो आपके पास आता था परफेक्ट टेट्राहेड्रल, या आता था परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ये चीजें आपको अगर याद हो तो भाई, जिसमें मैंने क्या लिखा था, CH4 भी लिखा था, SF6 लिखा था, जो क्या था, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल थे या परफेक्ट टेट्राहेड्रल थे, आ रही ध्यान में, तो समझ में आ रहा है सबको, जिसके अंदर आपने पास परफेक्ट वाली चीजें आ रही थी, ठीक है, उसमें आपने क्या बोला था, अल्फा और अल्फा डैश। अगर मैं यहां बोलूंगा, अगर इस केस में देखेंगे ना, तो आपको हर डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी सेम नजर आएगी, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है भाई, एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल और परफेक्ट टेट्राहेड्रल तुम देखोगे तो तुमको कुछ एकदम ऐसा नजर आएगा कि सारा जिस डायरेक्शन से देखोगे ना, तुमको एक ही सिमेट्रिक नजर आएगा, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि चेंजेबल होगा, उसमें कुछ वेरिएबल नहीं होगा। तो इन केस में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश होगा, मतलब इन मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेबिलिटी हर डायरेक्शन में सेम रहेगी, और सेम रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल क्या नहीं शो करेंगे, रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनएक्टिव होंगे, रमन रोटेशनल या रोटेशनल रमन के अंदर क्या रहेंगे, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। बोलिएगा यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, रोटेशनल रमन क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। अब तुमको तीन चार मॉलिक्यूल लिख के दे दे कुछ भी, उटपटांग, तीन तुमको ऐसे दे दे, SF4 CH4 दे दे, CCl4 दे दे, SF6 दे दे, एक और दे दे, और आपसे बोलते बताओ भाई साहब इनमें कौन सा रोटेशनल रमन एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो आपको देखते पहचान में आ जाना चाहिए। अगर सिमेट्रिक टॉप वाला आपको मिल गया, सिमेट्रिक टॉप वाला आपको मिल गया, तो वहां क्या होगा मॉलिक्यूल, रोटेशनल रमन इनएक्टिव होगा। यहां तक की बात बोलिएगा कितने लोगों को समझ में आई यार। अब देखिए यहां सिलेक्शन रूल भी चेंज हो जाएगा मुन्ना, यहां सिलेक्शन रूल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे हम सिलेक्शन रूल की तरफ बढ़ेंगे ना, अब तक जो सिलेक्शन रूल पढ़ रहे थे उनसे अलग आ जाएगा यहां। बोलो यार यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोलो। अगला टॉपिक चलते हैं अब, ये तो हो गया होगा क्लियर सबको, बोल देना भाई। अब देखो अगर तुमने किसी मॉलिक्यूल के ऊपर ना, अगर तुमने किसी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर लेट्स सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां कुछ ना कुछ टेम्परेरी डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता ही होता है। अब वहां क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट जिसको बोलते हो, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट। तो आपके पास क्या होगा, आप बोलोगे जब सर हम किसी के ऊपर ना, जब हम किसी के ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया किसी के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू एन मॉलिक्यूल,
किसी मॉलिक्यूल के ऊपर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वहां क्या होगा, एक टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्या होगा? ए टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगा। एक बात और देखिएगा, ये चीज तुमसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी। पेपर में तुमसे अभी जो थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइन के बीच में गैप कितना होगा, जैसे मैंने तुमको बताया ना ऐसी वाली चीज करवाई थी कि या मेरे पास क्यू लाइन है, या मेरे पास आर लाइन है, या मेरे पास पी लाइन है। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे तुमको, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आता था, एक आर और दूसरी आर के बीच में कितना डिफरेंस था, ये टू बी बोला था, ये टू बी बोला था मैंने, आ रहा सुन, मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस तुमसे पूछा था कितना था, तुम बोले सर फोर बी है। ये वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, बट ये जानना जरूरी है, ये वाला चीज भी जानना जरूरी है, स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ भी रखा होता ना, वीडियो भी देख रखी होती है, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन आए मान लो एग्जाम के अंदर, क्योंकि देखो थियोरेटिकल पेपर होना तो तुमको सारी चीज याद रखनी होती है। ये जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के पेपर है, इनका एक ही फायदा बहुत बड़ा है, और वो क्या है, अगर आपने चीज को पढ़ रखा है तो आप ऑप्शन देख कर वो आपको याद आएगा ही आएगा। ह्यूमन माइंड ऐसा ही होता है कि अगर आपने कोई चीज पहले देख रखी है तो वो एक बार आपके सामने दोबारा दूसरी बार जब भी आएगा तो आपको वो दोबारा से उसी मेमोरी को आप रिट्रीव कर लोगे अपनी, मतलब जो चीजें आपने पहले पढ़ी होगी ना वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है जब उस जैसी चीज तुम्हारे सामने आती है। तो ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। बोलो भाई, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बोलो फटाफट से। अब देखो इस केस में जो मेरे पास म्यू इंड्यूस होगा उसको मैंने क्या बोल दिया, म्यू। जो डाइपोल मूवमेंट मेरे पास इंड्यूस होगा उसको मैंने क्या बोला, म्यू। और वो क्या होगा, तुम बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उसके। क्या बोल दूंगा, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसके, मतलब म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई बोल सकता हूं। अल्फा क्या है मेरे पास, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी कॉन्स्टेंट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जितने भी मोलिक्यूल होंगे डाई एटोमिक, ऑल होमो डाई एटोमिक, बोलो होमो न्यूक्लियर, ये नोट कर लेना, ये आ सकता है तुम्हारे क्वेश्चन, नोट डाल लेना, ऑल द होमो न्यूक्लियर डायएटोमिक, होमो न्यूक्लियर डायएटोमिक मॉलिक्यूल, जितने भी डायएटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे होमो न्यूक्लियर, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, ये वाले C2 हो गया, H2 हो गया, कुछ भी लिख लो, ठीक है। इनके सारे के सारे ये क्या होंगे, ऑल एन आइसोट्रोपिकली पोलराइज, लिख लो All are anisotropically polarized। ये सारे के सारे क्या होते हैं, anisotropically polarized होते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ये क्या बोलोगे, सारे के सारे क्या होंगे, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, एक तो आपको ये लिख दिया जाए और साथ में आपको लिख दिया जाए CH4, SF4, SF6। चलो बताओ एक बार, क्वेश्चन ही बना देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रोटेशनल, रोटेशनल रमन इनएक्टिव, रोटेशनल रमन इनएक्टिव, रोटेशनल रमन क्या होना चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए, कौन सा होगा, O2, SF6, B, SF6, CCl4, C, O2 और H2, D, CH4 एंड O2, नन ऑफ दीज एक्टिव, कौन सा एक्टिव होगा, जल्दी से बताओ इनमें से, रोटेशनल रमन एक्टिव कौन सा होगा, जल्दी से आंसर करिएगा, बोलो ए बी सी डी में से आंसर कर दो भाई, जल्दी से फटाफट से क्या होगा, जल्दी करें आंसर। जो लेक्चर देख रहा होगा वो आंसर कर देगा इसका, और जो नहीं देख रहा है वो नहीं कर पाएगा।
बोलो रे जल्दी जल्दी से फटाफट से बोलो। नन ऑफ दीज बोल रहे हैं जी, नन ऑफ दीज। अरे सिमी सिंह मुन्ना, अभी देखो क्या बोला तुमको, इट शुड बी क्या होना चाहिए, फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल रमन एक्टिव इट शुड बी एन आइसोट्रोपिकली पोलराइज्ड। क्या होना चाहिए? एन आइसोट्रोपिकली पोलराइज्ड होना चाहिए, ये बोला ना, एन आइसोट्रोपिकली पोलराइज्ड होना चाहिए। यहां मैंने तुम्हारे को क्या लिखवाया है, ऑल द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आर एन आइसोट्रोपिकली पोलराइज्ड। क्या होते हैं? एन आइसोट्रोपिकली पोलराइज्ड। अगर ये एन आइसोट्रोपिकली पोलराइज्ड है तो क्या होगा, एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव होंगे? यार कमाल करते हो मुन्ना, कमाल ही कर दिया हो तुमने तो। बिल्कुल, पूनम का आया है सी, क्या आया है? ओ टू एंड एच टू। देखो सिंपल सी बात, देखो ये होमोन्यूक्लियर होमो एनुलर डायटोमिक है, सेम है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। ये वाला क्या है, अपने पास वही परफेक्ट ऑक्टाइडल टेट्राइडल है जिसमें क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डेज, हर डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी सेम होगी। ये वाला तो होगा, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इनमें पोलराइजेबिलिटी सेम होगी हर डायरेक्शन में। इधर ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, इधर ये नहीं होगा ये होगा, और ये वाला तो नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये हो गया सी आंसर हो गया तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो यार जल्दी से, लाइक कर दो भाई जिसने लाइक नहीं किया है, मजा आ रहा हो तो। सिर्फ लाइक तभी करेंगे जब पसंद आ रहा हो तो। बोलो भाई यहां तक की बात समझ में आई या नहीं है सबको, जल्दी से एक बार ये बताओ पहले, यहां तक की समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद हम बात करेंगे रमन शिफ्ट के बारे में। किसके बारे में? रमन शिफ्ट के बारे में। देखो सर मैं कंफ्यूज हो गई थी स्फेरिकल वाले में वाले तो इन्हें, हाँ इसीलिए क्वेश्चन ऐसा बनाया था, एक बीच में तुमको स्फेरिकल वाला डाल रखा था हर बार बीच बीच में एक एक। अरे बात समझे, चलो अभी मेरे को एक बात बताओ, यहां तक की बात समझ में आई तो अब हमें क्या चेक करना होगा, एक चीज निकालनी हमको, रमन शिफ्ट के बारे में बात करनी होगी। किसके बारे में? रमन शिफ्ट के बारे में, क्योंकि जब हम रमन शिफ्ट निकाल लेंगे ना तो मुझे गैप पता चल जाएगा लाइन के बीच का, लाइन के बीच का क्या पता चल जाएगा, गैप पता चल जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास ये वाला वी है, कोई वी फ्रीक्वेंसी पे, आप क्या कर रहे हो यार, वी प्लस डेल्टा ई कर रहे हो, आप इधर क्या कर रहे हो, वी प्लस डेल्टा ई। अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा दो लाइन के बीच का गैप कितना है, रमन शिफ्ट से इधर कितना है। भाई ये मेरे पास अगर एंटी स्टोक्स है और ये लेट्स सपोज स्टोक्स है, तो आप ये बता दोगे ना कि ये गैप कितना है, और ये हमें कब पता चलेगा, जब हमें रमन शिफ्ट के बारे में पता चलेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, रमन शिफ्ट चेक करना है कि रमन शिफ्ट क्या होता है। अब देखो पहले तो इनके लिए स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल देखो क्या होगा। अब दो सिलेक्शन रूल पढ़े, एक तो कौन सा पढ़ लिया सिलेक्शन रूल में, ग्रॉस वाला पढ़ लिया, ग्रॉस सिलेक्शन रूल पढ़ लिया हमने, जिसमें हम क्या करते हैं किसी मॉलिक्यूल के बारे में करैक्टराइज करते हैं मॉलिक्यूल को ऐसा। दूसरा स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या कहता है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। यहां देखिए डेल्टा जे का जो वैल्यू याद रखना है, ये तुमको याद ही रखना पड़ेगा, डेल्टा जे का वैल्यू जीरो प्लस माइनस टू, जीरो से प्लस माइनस टू, जीरो से प्लस माइनस टू, यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए, जीरो से प्लस माइनस टू। अब देखो अगर तुम पीछे चलोगे ना थोड़ा सा पीछे चले, ज्यादा नहीं, दो तीन लेक्चर पीछे, जहां हमने रोटेशनल की बात की थी, रोटेशनल की, जिसमें आपने एब्जॉर्प्शन इमिशन के बारे में बात किया था, एब्जॉर्प्शन या इमिशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन इमिशन के बारे में आपने जब बात किया था, तो वहां हमने क्या डिस्कस किया था, हमने ये बोला था डेल्टा जे का वैल्यू जो था वो प्लस माइनस वन था। यहां क्या कर रहे हो आप, डेल्टा प्लस माइनस वन की जगह क्या रहेगा, जीरो भी रहेगा। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं पेपर के अंदर ये वाले जो सिलेक्शन रूल है, कितने सिलेक्शन रूल है मैं हर स्लाइड पे जान लिख रहा हूं ना, उनको स्टार मार्क करके और उनको याद लिख लेना। ये सिलेक्शन स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल है किसके लिए, रमन रोटेशनल एक्टिव के लिए, रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, जिसमें रोटेशनल भी हो रमन भी हो, रमन रोटेशनल। बोलो यार यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, रोटेशनल रमन एक्टिव अगर होगा तो हमें ये जे का वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम अगर रमन शिफ्ट निकालना है, रमन शिफ्ट का मतलब क्या होगा, दो एनर्जी के बीच का गैप ही तो होगा भाई, दो लेवल्स होंगे उनके बीच का गैप ही तो क्या हो रहेगी, क्या बोलेंगे, रमन शिफ्ट, यही तो था डेल्टा ही।
और तुम पीछे निकाल के आए हो कि इसका ई होता था, इसका ई टू होता था, तो आप बोलते थे डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ऐसा ही तो बोलते थे। अच्छा रोटेशनल वाला जब तुम पढ़े थे तो तुम्हारे पास डेल्टा ई का वैल्यू क्या आया था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, कोई बताएगा मुझे? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर है, दो लेवल का गैप निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुमको, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डेल्टा ई किसी दो लेवल के बीच का एनर्जी निकालने के लिए, यानी दो लेवल के बीच का एनर्जी गैप हम कैसे फाइंड आउट करते थे, किसी को याद है फॉर्मूला बोलेगा कोई? कोई बोलना चाहेगा आप में से जिसने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं? वही बता सकता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैंने डेल्टा ई का वैल्यू एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, क्या था वो फॉर्मूला बोलो यार जल्दी से, क्या था वो फॉर्मूला, क्या बोलोगे? सर फॉर्मूला ऐसा था कि डेल्टा इज इक्वल टू टू बी जे प्लस वन, टू बी जे प्लस वन आपके पास क्या हुआ करता था, फॉर्मूला हुआ करता था, और जिसके लिए डेल्टा जे का जो वैल्यू था वो क्या था, प्लस माइनस वन हुआ करता था, क्या होता था, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन। ये कितने लोगों को समझ में आ रही है ये कहानी, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ये हुआ करता था आपके पास, ये चीज समझ में आ रही है? ये करवा चुका हूं, डेल्टा जे का वैल्यू प्लस माइनस वन वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टू बी जे प्लस वन, टू बी जे प्लस वन बिल्कुल सही एकदम करेक्ट बोले हो, टू बी जे प्लस वन। और अब तुम्हारे पास जो करना है, देखो यहां जो ट्रांजिशन होती थी वो क्या बोलते थे तुम, यहां जो ट्रांजिशन होगी वो तुम यही तो बोलते थे ना कि जे का वैल्यू कहां से कहां तक ट्रांजिशन है, जे प्लस वन तक, मतलब दोनों जे की वैल्यू के अंदर चेंज कितना का होगा, अगर ये वन है तो ये टू होगा, मतलब ऐसा है कि अगर जे इज इक्वल टू वन है तो जे इज इक्वल टू टू तक होगा ट्रांजिशन। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, जे का जो वैल्यू होगा उससे एक ज्यादा क्वांटम नंबर तक हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशन होता था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। आज हम क्या बात करेंगे, जे का वैल्यू क्या है, जीरो से टू, मतलब या तो हमारे पास कोई जे का वैल्यू जे होगा तो उसके बाद ट्रांजिशन कहां से कहां तक चलेगा अगर मैं इसकी बात करूंगा। अब देखो अलग चल रहे हैं, रमन शिफ्ट निकाल रहे हैं और यहां हम रमन शिफ्ट में डेल्टा ही निकाल रहे हैं, डेल्टा ही निकाल रहे हैं, तो यहां तुम्हारे पास जो जे होगा वो कहां से कहां चलेगा, तुम कहोगे सर जे जे प्लस टू तक चलेगा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई पहले तो ये बोल दो जल्दी से, यहां तक की बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, कि जब तुमने पीछे जब किया था तो डेल्टा जे का वैल्यू प्लस माइनस वन था, तुमने क्या कहा जे से जे प्लस वन तक हमको चलाना होता था और टू बी जे प्लस वन तुम्हारे पास क्या हुआ करता था, फॉर्मूला हुआ करता था। यहां तक की बात सबको समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो अभी पूछ लो जल्दी से फटाफट से फास्ट, बोलो भाई लाइक नहीं करते हो यार तुम, जल्दी बोलो फटाफट से, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई सबको, यहां तक की बात सबको समझ में आई या नहीं आई मुन्ना लोग, जल्दी से बोलो फटाफट से फास्ट, जल्दी बोलिएगा फास्ट 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 बोलो फटाफट से। अब देखो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारे पास एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया, बी इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस वन हुआ करता था, बी इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस वन हुआ करता था, ये तो सबको पता होगा ना, एक एनर्जी लेवल के लिए फॉर्मूला रोटेशनल में, एक एनर्जी लेवल के लिए रोटेशनल, भाई ये एनर्जी लेवल्स थे इनकी एनर्जी निकालने के लिए यही तो फॉर्मूला यूज करता था, मेरे क्या निकाला था पहले मैं जीरो निकाला था फिर टू बी निकाला था फिर ऐसे आ रही है समझ में, टू लिया था तो सिक्स बी निकाला था इस टाइप से ये वाले। तो यहां हमारे पास अब मेरे को क्या करना है, जे का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, जे प्लस टू पुट कर दूंगा और एक बार जे पुट कर लूंगा, देखो पहले मैं जे की जगह क्या पुट करता हूं, जे प्लस टू, देखो यहां तुम क्या कहोगे जे प्लस टू माइनस ई जे, यही तो निकालोगे ना, जब जे प्लस टू पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा वैल्यू, ई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, तुम कहोगे सर जे प्लस टू हो जाएगा, इस जे की जगह मैंने क्या पुट कर दिया जे प्लस टू, दूसरे में फिर क्या कर दूंगा जे प्लस टू पुट करूंगा प्लस में वन है, माइनस में क्या करोगे ई जे, ये तो सेम हो जाएगा बी इंटू जे इंटू जे प्लस वन, बोलो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई जल्दी से बोलो फटाफट से। इसको जब पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू फोर बी जे प्लस थ्री बाई टू, इंपॉर्टेंट है ये, अब तक तुमने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये तुमको पता होना चाहिए, अब तक तुमने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये तुमको याद रखना पड़ेगा, बाकी चाहे कुछ याद रखो या ना रखो, डेल्टा ई का गैप क्या आएगा, देखो वहां तुम्हारे पास क्या आया था, प्योर रोटेशनल में तुम्हारे पास डेल्टा ई का वैल्यू ये आया था टू बी जे प्लस वन, रमन रोटेशनल की बात कर रहे हैं भाई, आना जीओसी की क्लासे चलती है मुन्ना ब्राउन मुंडे, जीओसी की क्लासे चलती है, 13 लेक्चर हो चुके हैं, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है जी, बार बार कमेंट करने से नहीं होगा मुन्ना, नहीं हो पाएगा मुन्ना, बार बार कमेंट करने से नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि रेंडम आते हो कभी क्लास के अंदर, सर ये डाउट है जी, क्लास से लगाया करो मुन्ना पूरी, जीओसी का लेक्चर नंबर 13 तक करवाया है सारी चीजें, और एरोमेटिसिटी तो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें आ चुके हैं ये क्वेश्चन तुम्हारे, एरोमेटिसिटी के लेक्चर देखोगे ऐप के ऊपर जो कि फ्री क्लासेज है,
जिसमें एरोमेटिसिटी के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, थ्योरी करवाई है, सिर्फ तुम्हें उसमें क्रैक रूल बचा हुआ है और बाकी सब करा दिया है, ठीक है। चलिएगा जी, अब बताइएगा कहाँ फिजिकल का काम चल रहा है जी, ऑर्गेनिक आ जाओ जी, ठीक है। अभी ये वाली चीज तुमको याद रखनी पड़ेगी मुन्ना, ये तुम ये याद रख, ऐसे कंपेरिजन करके याद रखा करो, ये वाली चीज तुमने पढ़ी थी 2BJ+1 और इसके लिए डेल्टा जे का वैल्यू तुम्हारा क्या था, +-1। ये किसके लिए था, डेल्टा ई का वैल्यू, प्योर रोटेशनल, सिंपल रोटेशनल पढ़ रहे थे तब ये निकाला था। और आज हमने कौन सा निकाला है, ये वाला डेल्टा ई का वैल्यू किसके लिए है, रमन और रोटेशनल दोनों को एक साथ, R+R के लिए है ये, R+R के लिए, रोटेशनल प्लस रमन के लिए। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो यार जल्दी से। अच्छा जी, पता नहीं था तो अभी वो रिकॉर्डेड है, लेक्चर लाइव देख सकते हो मुन्ना आप, ठीक है जी मुन्ना जी। अभी यार यहाँ फिजिकल छोड़ के अब ये थोड़ा ना बताने लग जाऊंगा यार, टाइम वैसे हो रखा है इस लेक्चर का, 4 बज गए, 1 घंटे का लेक्चर वैसे ऑलरेडी हो चुका। मैं सोच रहा हूँ ये पूरा स्टॉक और एंटी स्टॉक का तुमको ग्राफ बना के बता दूं ताकि तुमको ये समझ आए जितनी राम कहानी पढ़ी है ये सारी। बोलो यार जल्दी से फटाफट से एक बार मेरे को, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, डेल्टा ई का गैप। अब तुम एक बात देखो, तुमने जब अभी दो चीजें देखी तुमने, ये वाली दो चीजें कहाँ गया, ये वाला स्लाइड, अरे मुन्ना कहाँ गया, स्टॉक एंटी स्टॉक ये वाला, अगर तुम्हें ये वाली वैल्यू पता चल जाए, ये वाली वैल्यू पता चल जाए तो अब तुम तो सिंपल बता दोगे कि आंसर कितना आएगा सर। अगर तुम्हें ये वैल्यू पता चल जाए तो तुम डायरेक्ट बता दो कि गैप कितना कितना होगा। देखो अभी मैं जे का वैल्यू 0 लेता हूँ, फॉर्मूला तुम्हारे पास आ चुका है, तुम कहोगे सर डेल्टा ई का वैल्यू, डेल्टा ई का वैल्यू आ गया 4B आपके पास आ गया, J+J/3/2 ये वाला मुंडा आ गया एकदम से। अब तुम्हारे पास J=0 है, J=1 है, J=2 है, J=2 ऐसे निकालो जल्दी जल्दी से, फटाफट से वैल्यू बताओ निकाल निकाल के। जे के वैल्यू 0 पुट कर देंगे सर कितना आएगा, 4B × 3/2 कितना आ जाएगा मुन्ना, आप बोलोगे सर 6B आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6B आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, जे की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी, दूसरी बार 1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4B होगा और साथ में कितना आ जाएगा मुन्ना जल्दी से बोलो, 3/2, 1+3/2 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, बोलो यार 5/2 कर दूंगा और 2 से 2 कर दूंगा, फिर से कितना कर दूंगा, 10B कर दूंगा इसका गैप। अब मुझे डेल्टा ई का वैल्यू मिल रहा है जो कि क्या है, रमन शिफ्ट है, जो कि क्या है, रमन शिफ्ट है, और रमन शिफ्ट पता चलेगा जैसे जैसे, स्वागत है मुन्ना स्वागत है, तो आपको कहां मना किया है मुन्ना चैनल पे आने से, बट मुन्ना चैनल देखो तो सही, चीज किस चीज का टॉपिक चल रहा है, आप क्या पूछ रहे हो, अगर ऑर्गेनिक चल रहा होता तो भी बात बनती अलग, ठीक है मुन्ना, मना नहीं कर रहे तुमको कि नहीं बता रहे, अभी मैं ये बताने लग जाऊंगा तो अभी 10 मिनट का टाइम मैं फालतू ले रहा हूं क्लास में, कि ये वाला टॉपिक जो बाइंड अप कर दूं इस टॉपिक को जहां चल रहा है, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो एक बार, ऑर्गेनिक का लेक्चर होगा कल पूछ लेने का, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरे पास क्या है, डेल्टा J=J+1, ठीक है। अभी आपके पास ऐसे ऐसे निकालते चलोगे, जल्दी सबका बताओ भाई, फटाफट से निकाल लोगे सबकी ये वाली वैल्यू, तीसरे की ओर निकाल लो, एक और निकाल लो जे की वैल्यू 2 के लिए, 4B+2+3/2 कितना बन गया रे, जल्दी से बोल दो यार फटाफट से, 7 बन जाएगा ना, 7/2, 2 से 2 काट दोगे कितना बच जाएगा, 14B। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा बी की। अब देखो तुम्हारे पास स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स दोनों लाइन थी, क्या थी, स्टॉक्स भी थी और एंटी स्टॉक्स थी, ये था आपके पास स्टॉक्स लाइन, क्या था, स्टॉक्स लाइन, और इधर मेरे पास क्या है, एंटी स्टॉक्स लाइन, क्या लिख रहा हूं, एंटी स्टॉक्स लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से स्लाइड जो बता रहा हूं ना, यहां से ये वाली स्लाइड, इससे आगे का इंपॉर्टेंट है सारा मामला, पीछे का तुमने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा कोई मैटर नहीं करेगा, तुम्हारे लिए पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, वरना ये याद रखना पड़ेगा तुमको। अभी मैंने क्या बोला, यहां जो था मेरे पास रमन में, तुमने क्या बोला, अगर इक्वल होता था, अगर इक्वल होता तो तुम रेले लाइन बोल देते थे, क्या बोल देते थे, रेले लाइन बोल देते थे, फर्स्ट स्टॉक लाइन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट स्टॉक लाइन, पहली स्टॉक लाइन के बारे में बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, J=0 ले लेते हैं सर, J=0, और J=0 देखो तुम्हारे पास क्या था, ऐसे करो, अगर मैं V=Raman और उसके बाद क्या था, V=Raleigh − Δe, यही तो था ना, स्टॉक के लिए माइनस था, एंटी स्टॉक के लिए प्लस था, एंटी स्टॉक के लिए क्या था मुन्ना, प्लस था, हमारे पास रेले लाइन का प्लस डेल्टा ई। अब देखो मैंने J का वैल्यू जब 0 लिया तो डेल्टा ई का वैल्यू कितना आया था, आप बोलोगे सर ये वैल्यू आ जाएगा V Raman V Raleigh −6B। दूसरा तुम कहोगे सर J का वैल्यू क्या, सेकंड लाइन के लिए, सेकंड स्ट्रोक लाइन कहां आएगा, सेकंड स्ट्रोक लाइन कहां आएगा, तुम क्या बोलोगे,
वी रमन के लिए इज इक्वल टू वी रे माइनस का कर, अब वैल्यू वन पुट करोगे तो वैल्यू तुम्हारे पास अलग आ जाएगा, टेन भी आएगा। डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा? टेन भी। डेल्टा ई का वैल्यू तुम क्या कहोगे? टेन भी। सेम ऐसा इधर चलेगा, इधर क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। यहां तक पहले तो ये बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बातें, पहले तो ये बताओ यहां तक की बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मुन्ना जल्दी से बोलो यार, फटाफट से फास्ट, यहां तक की बातें बोलो पहले तो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको? स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइन का और ये सारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुन्ना जल्दी जल्दी बोलो, बोलिएगा मुन्ना लोग जल्दी से फटाफट से। अब इसके लिए निकाल लो, दोनों में कोई फर्क आएगा क्या? फर्स्ट स्टॉक, फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन, फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन, एंटी स्टॉक फिर से जे इज इक्वल टू जीरो के लिए निकालेंगे, क्या बनेगा? आप बोलोगे सर वी, फिर से वही आपके पास वी रमन रहेगा, इधर क्या रहेगा? आप बोलोगे वी रेले लाइन का और प्लस में सिक्स बी, और इधर क्या कर देंगे? फिर से टेन बी जे इज इक्वल टू वन के लिए, जे इज इक्वल टू वन के लिए वी प्लस टेन बी, और सेम ऐसे वी प्लस फोर्टीन बी, वी प्लस फोर्टीन बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेले लाइन। बोलो यार यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुश्किल है तुम्हारे लिए ग्राफ को बनाना, स्पेक्ट्रम को बनाना, स्पेक्ट्रम को बनाना अब मुश्किल है क्या? अब स्पेक्ट्रम को बनाना मुश्किल है क्या? बोलिएगा जल्दी से, स्पेक्ट्रम को बना पाओगे? कैसे बनाओगे स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम कैसे बनाया जाएगा जल्दी से बोल दिया जाए, स्पेक्ट्रम कैसे बनाया जाएगा? स्पेक्ट्रम कैसे बनाओगे रे? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से सारे, अभी सभी मुन्ना लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे, क्या करोगे स्पेक्ट्रम? देखो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला मेरे पास लेट्स सपोज रेले लाइन, ठीक है, इसके इस साइड कौन सी थी मेरे पास? एंटी स्टॉक। मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया इधर क्या है? एंटी स्टॉक लाइन है। इधर कौन सी आपके पास? स्टॉक लाइन है, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये पहली जो लाइन है ये जे इज इक्वल टू जीरो पे है, जे इज इक्वल टू जीरो पे, आ रही बात समझ में? जे इज इक्वल टू जीरो पे, इधर भी आपके पास क्या है? जे इज इक्वल टू जीरो पे लाइन है, और जे इज इक्वल टू जीरो पे लाइन आ रही है भाई, ये मेरे पास वी है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी वी रेले लाइन की है। इसका कितना रहा होगा? आप कहोगे सर स्टॉक वाला है तो माइनस सिक्स बी पे रहा होगा, कहां रहा होगा? माइनस सिक्स बी पे, ये बात समझ में आ रही है? कहां रहा होगा? माइनस सिक्स बी पे, बड़े ध्यान से समझना इसको, ये क्या रहेगा? आप कहोगे सर सिक्स बी पे है। मैंने कहा यार जे इज इक्वल टू वन पे बात करें तो आप कहोगे सर ये टेन बी पे है, वी माइनस टेन बी पे है। मैंने कहा यार तीसरी लाइन के बारे में बात करें जे इज इक्वल टू टू पे तो आप कहोगे फोर्टीन बी पे है। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात, ये चीज कितने लोगों को समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बोलो यार फटाफट से एक बार, कहां चले गए सब मुन्ना कहां चले गए हैं? जल्दी बोलो फटाफट से, कहां चले गए हो सब मुन्ना? जल्दी बोलो अभी फटाफट से। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अब तीसरी लाइन के बारे में देखिएगा, अगर मैं यहां बात करूं ये वाला, तो यहां भी मैं कहूंगा सर ये वाला जो लाइन है जे इज इक्वल टू वन पे, जे इज इक्वल टू टू पे, और जे इज इक्वल टू थ्री पे, ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये भी कितना पा था? सिक्स बी प्लस का था, टेन बी था, और यहां मेरे पास कितना था? फोर्टीन बी था, ठीक है। ऐसे तुम आगे सोल्व करते चले जाओगे। अब मैंने तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन सेकंड स्टॉक लाइन एंड सेकंड एंटी स्टॉक लाइन के बारे में आपको डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। जल्दी जल्दी से सारे बताएंगे, ऑप्शन दे देता हूं, चलो ऑप्शन दे देता हूं, 12B 10B 20B सी 16B। जल्दी से आंसर कर देंगे सभी फटाफट से, जल्दी से एक बार सभी आंसर करेंगे फटाफट से, बिल्कुल। हेलो रजत कुमार, जल्दी से आंसर करो यार फटाफट से, फर्स्ट सेकंड स्टॉक एंड सेकंड एंटी स्टॉक लाइन के बीच का गैप पूछ रहा हूं कितना रहेगा दोनों लाइंस के बीच का, जल्दी से आंसर करेंगे क्या रहेगा। स्टॉप दिस लाइव स्ट्रीम, क्या हुआ, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया रजत?
क्या प्रॉब्लम हो गया मुन्ना? सिमी एंड पूनम कुमारी का आंसर आ रहा है सी। सिमी एंड पूनम कुमारी का आंसर आ रहा है सी। अरे क्या बात हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया? लिखेगा भी कुछ? कह रहा जी स्टॉप कर दो, अभी आए हो आप और अभी आते स्टॉप कर दो। अच्छा चलो बताओ भाई कैसे करोगे, जल्दी से बताओ फटाफट से। अरे पागल हो गया क्या, एक ही मैसेज को बार बार रिपीट कर रहा है। देखो भाई अगर इस देखो अगर आपसे पूछा जाए, अब आप इसको वी इसको फ्रीक्वेंसी को वी रियल लाइन क्या मान रहे थे? कोई नहीं इग्नोर मारा करो ऐसे को। अभी मेरी बात सुनो, अगर ये वाला और ये वाला तुमने क्या कहा था, ये जो डिस्टेंस था तुमने इसको क्या लिखा था, वी प्लस सिक्स बी लिखा था, और इसको क्या लिखा था, वी माइनस सिक्स बी लिखा था। ठीक है, तो यहां से जो यहां का गैप है वो कितना है? आप कहोगे सर सिक्स बी का गैप है, और यहां से यहां तक का गैप कितना है? सिक्स बी का गैप है। आ रही बात समझ में? यहां से यहां तक का यहां से यहां तक का गैप कितना था? सिक्स बी का। क्योंकि तुम अगर फॉर्मूला देखोगे तो तुमने यही किया था, वी जो रेले लाइन का था उसके अंदर डेल्टा बी जो तुम माइनस कर रहे थे ना, वो रेले लाइन से कर रहे थे, मतलब बीच वाली लाइन से तुम माइनस कर रहे थे। ये सिक्स इधर बढ़ रहा था, सिक्स इधर बढ़ रहा था। अगर इस लाइन का मैं बात करूं तो ये कितने पे है? टेन बी पे है। तो मतलब ये टेन बी यहां से है, यहां से टेन बी है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना रहा होगा? फोर रहा होगा। क्योंकि ये पूरा जो तुम दिखा रहे हो फॉर्मूले के अंदर वो ये है पूरा टेन बी, ये पूरा टेन है, और इन दो लाइन के बीच का डिफरेंस अगर मैं पूछ लूंगा तो आप बोलोगे सर फोर होगा। सेम ऐसा दूसरी तरफ तुम बोलोगे, सेम दूसरी तरफ यहां भी तुम क्या बोलोगे, ये भी कितना रहेगा? फोर रहेगा। इससे आगे नेक्स्ट लाइन का भी कितना रहेगा? फोर रहेगा। आगे सबका कांस्टेंट रहेगा फोर फोर फोर, सबका क्या चलेगा? कांस्टेंट चलेगा एकदम से, क्या चलेगा? फोर फोर फोर। अगर तुमको पूछ लिया जाए सेकंड एंड थर्ड, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, लेट्स सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैं इसको करवा देता हूं पहले। अगर मैंने बोला कि इसका इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में तुमसे डिफरेंस पूछा डिस्टेंस इन दो लाइन के बीच में, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है, ये वाली फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंटी स्टॉक, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये वाली क्या है? सेकंड लाइन है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा, तुम कितना बोलोगे? 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछ लूं डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ स्टॉक लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन का, तो ए ऑप्शन है तुम्हारे पास 10b, 12b, सी है 20b और डी है 4b। जल्दी से आंसर करते हैं फटाफट से, बोलो यार जल्दी से फटाफट से आंसर करो। बताओ भाई मुन्ना जल्दी से आंसर क्या रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ स्टॉक लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल है, अभी हमने देखा है सबके अंदर क्या रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर तुम ये बात करोगे, अच्छा दूसरा क्वेश्चन और बना लो, यही एक क्वेश्चन और लिख लो जब तक इसका आंसर को, अगला क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट स्टॉक एंड फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन, फर्स्ट स्टॉक एंड फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन के बारे में। पहला है 10b, दूसरा है 8b, सी है 12b, डी है 16b। जल्दी आंसर करें दोनों क्वेश्चंस का फटाफट से। पहले का आंसर आ रहा है पूनम का और सिमी का 4b, बिल्कुल एकदम से सही है 4b। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर कर दीजिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर कीजिए फटाफट से, क्या रहेगा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? 12b, 12b, 8b एंड 12b, दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, एक 12b बोल रहे हैं, एक 8b बोल रहे हैं, 12b एंड 8b दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं मेरे पास। सिमी सिंह बोल रहे हैं 8b होगा सर, पूनम कुमारी 12b, किसको माना जाए? देखो सुनो, ये है मेरे पास फर्स्ट स्टॉक लाइन और ये है मेरे पास फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन, ये वाला।
और इस लाइन के और इस लाइन के बीच का गैप देखो कितना है मुन्ना, ये इस लाइन से 6 इधर है और ये इस लाइन से 6 इधर है, दोनों के बीच में कितना आ जाएगा 6b + 6b, कितना आ जाएगा 12b। आ रहा है मुन्ना समझ में सबको? क्या क्लियर हुआ ये वाला बात सबको? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या ये बात क्लियर हुई सबको? स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइन वाला बोलिएगा जी। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत इस टॉपिक के अंदर, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो। फिर आगे देखिए कल का जो टॉपिक रहेगा उसमें 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है और टॉपिक का नाम क्या रहेगा? न्यूक्लियर स्पिन, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। अब न्यूक्लियस की स्पिन के बारे में इफेक्ट पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर का क्या इफेक्ट होता है स्पेक्ट्रम के ऊपर, न्यूक्लियर की स्पिन का क्या इफेक्ट होता है स्पेक्ट्रम के ऊपर, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। ओके जी, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है इन क्वेश्चंस के अंदर तो पूछ सकते हो अदर फायर। फिर एक बात और, शाम को मिलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक्स के क्वेश्चंस के साथ। कहां मिलेंगे शाम को? ऑर्गेनोमेटालिक्स के क्वेश्चन के साथ 6 PM मिलेंगे ऐप के ऊपर, OMC के क्वेश्चंस के साथ, धुआंधार क्वेश्चंस होंगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के। ठीक है, 6 बजे ऐप के ऊपर। अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट करता है तो वो BCAM10 कोड यूज करके क्या कर सकता है, BCAM10 कोड यूज करके क्या कर सकता है दोस्तों, अनलॉक कर सकता है उनको। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करोगे तो आपको ये मिलेगा कि क्लासेज लॉक है, बट वो क्लासेज लॉक नहीं होंगी। अनलॉक करने के लिए आप सिर्फ कोड यूज करना होगा, क्लासेज वो फ्री है, पेड नहीं है वो। ठीक है, कोई क्लासेज वो पेड नहीं है और ये आपके लिए चल ही रहा है लगातार, सेशंस GOC साइड वाइज चल रही है और आज क्वेश्चंस भी आएंगे आपके लिए। GOC के 13 लेक्चर हो चुके हैं मुन्ना, ठीक है, GOC के 13 लेक्चर हो चुके हैं और अब क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट है। आज शाम को मिलेंगे 6 बजे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना सभी मुन्ना लोग, और मिलेंगे अब शाम को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।